हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ एकदम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल हम हिंदी के लेक्चर में पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, ठीक है। कल लगभग हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है। आइए उसी के आगे हम बढ़ते हैं। पहला है जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। थोड़ा राइटिंग में कम ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। जो बदला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिवर्तनीय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे बच्चों? अप्रमेय। क्या कहेंगे? अप्रमेय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पश्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? असूर्य पश्या, ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। क्या कहेंगे? असूर्य पश्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, नेक्स्ट है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे बच्चों? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहेंगे अपत। क्या कहेंगे? अपत, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे क्या कहेंगे? अपत, 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 अपत बच्चों। क्या कहेंगे? अपत, ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, नेक्स्ट, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक, ठीक है बच्चों। बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब है अतिशयोक्ति। एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, जैसे कहते हैं जहां पे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब क्या बच्चों? अतिशयोक्ति। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? जो छीण ना हो सके उसे कहेंगे अक्षय, अक्षय कुमार, ठीक है बच्चों। जो छीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका इलाज ना हो सके,
जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य। ठीक बच्चों, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। ठीक, जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अच्छा है कहेंगे। ठीक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे अधा प्रसूत। अधा प्रसूत, तो जो छीण ना हो सके अच्छा है, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अध प्रसूत। ठीक है बच्चों, अध प्रसूत। नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं सुना गया, उसे क्या कहेंगे? अनसुना। ठीक बच्चों, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहेंगे? अनसुना। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? अनसुना। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अथा। क्या कहेंगे बच्चों से? अथा। ध्यान रखेंगे, जिसकी गहराई ना नापी जा सके अथा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नष्ट ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला, जो नष्ट ना हो उसे क्या कहेंगे? अनश्वर। ठीक है बच्चों, अनश्वर। ठीक, जो पहले कभी नहीं सुना गया अनसुना, जिसकी गहराई ना नापी जा सके अथा, नष्ट ना होने वाला अनस्वर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाले क्या कहेंगे बच्चों? अपव्ययी। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? अपव्ययी। ठीक है, अपव्ययी। ठीक, जो कहा ना गया हो, जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो उसे क्या कहेंगे? अकथित। ठीक बच्चों, जो कहा न गया हो अकथित। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्य नहीं अन्य, अन्य से संबंध न रखने वाला। उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनन्य। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? अनन्य।
जो अनुकरण करने योग्य हो। जो अनुकरण करने योग्य उसे क्या कहेंगे? अनुकरणी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अनुकरणी। ओके, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्यय, जो कहा न गया हो अकथित, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणी है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। ठीक है भाई बच्चों, पैर से लेकर सिर तक क्या कहेंगे? आपाद मस्तक, जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अतुलनीय, ध्यान रखेंगे। ठीक, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। क्या कहेंगे? अनुदान मित्र। ठीक, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहेंगे? अनुदान कहेंगे। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय बच्चों। ठीक है, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि यानी कि मेहमान। अतिथि की सेवा करने वाला को क्या कहते हैं? आतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है, जिसे पराजित न किया जा सके। ठीक जिसे पराजित न किया जा सके।
आप पराजित। आप पराजित बच्चों, क्या कहेंगे? आप पराजित। ठीक है, जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको वो क्षमा ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे बच्चों? अक्षम्य। क्या कहेंगे? अक्षम्य। ठीक है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथे, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजित, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। क्या कहेंगे बच्चों? अक्षम्य। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अन्योदर। अन्योदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन्योदर, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? अर्थहीन। ठीक, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? अर्थहीन, जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अधीर। ओके, जिसमें धैर्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अधीर कहेंगे। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन कहेंगे बच्चों। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व,
पहले कभी हुआ है ना हो। अभूतपूर्व, ठीक है बच्चों, जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, रफ करें। अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अनुमति। ठीक, किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति, अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित। ठीक, जिसने ऋण लिया हो, जिसने ऋण लिया हो, अधर्मण कहने से, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अधर्मण। ठीक, जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधर्मण। ठीक बच्चों, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आशुतोष कहते हैं। ठीक है, जिसने ऋण लिया हो अधर्मण, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रतिम। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? अप्रतिम।
जिसने ऋण लिया हो, अधर्मण शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके अगम, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चों? अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम। ठीक है, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना उसे क्या कहेंगे बच्चों? आतिथ्य। आतिथ्य, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनंत। ठीक, अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। जहां पहुंचा ना जा सके अगम, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, जिसका अंत ना हो अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदार दाता। औदार दाता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदार दाता। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसे कहेंगे अकल्पनीय। अकल्पनीय, ठीक है, ओके। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार दाता, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय।
हाँकने वाला लोहे का हुक, हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंकुश। हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक क्या कहलाता है? अंकुश। जो खाया ना जा सके, जो खाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे बच्चों? अखाद्य। ठीक, जिसे खाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक अंकुश कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अग्रणी। क्या कहेंगे? अग्रणी। ठीक है, हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक क्या कहलाएगा? अंकुश। जो खाया ना जा सके अखाद्य, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जो नेत्रों से दिखाई न दे, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर। ठीक बच्चों, जो आंखों से यानी कि नेत्रों से ना दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य लेख, समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाएगा बच्चों? अग्रलेख। क्या कहलाएगा? अग्रलेख। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर, समाचार पत्र का यानी न्यूज़पेपर का जो मुख्य लेख होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? अग्रलेख कहते हैं। ठीक है, जो खाली ना जाए, जो खाली ना जाए उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अचूक। ठीक, जो खाली ना जाए उसे क्या कहेंगे? अचूक। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसे कहेंगे अच्युत। ठीक, ध्यान रखेंगे।
जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। ठीक है बच्चों, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे? अचिंत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत कहेंगे, जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके अच्युत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अछूत। ठीक है बच्चों, जो छूने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अछूत कहेंगे। जो छुआ ना गया हो, जो छुआ ना गया हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे अछूता। ठीक, तो जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत, जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो जाना ना गया हो, जो जाना ना गया हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसे कहेंगे अज्ञात। ठीक है, जो जाने ना गया हो अज्ञात। ठीक है, ना टूटने वाला, टूटे ना, यानी कि ना टूटने वाला वो क्या कहेंगे बच्चों? अटूट। क्या कहेंगे? अटूट कहेंगे। ठीक है, जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपनी जगह से ना हिले उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अडिग। ठीक, अडिग। ओके, जो ना टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से ना हिले उसे क्या कहेंगे? अडिग। आलत का व्यापार करने वाला, आलस का व्यापार करना करने वाले को क्या कहते हैं? अड़तिया। आलत का व्यापार करने वाला अड़तिया। ठीक है मेरे बच्चों, अड़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ना टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से ना हिले अडिग,
आड़त का व्यापार करने वाले को आड़तिया कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु। सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण होगा बच्चों। क्या होगा? अतिक्रमण। ठीक है, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो, भाई कहते हैं अंतर्यामी है, भगवान है, सबके मन की बात जानते हैं। ठीक, तो जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अंतर्यामी। सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाले को अतिक्रमण कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे क्या कहेंगे? अंतर्यामी। ठीक है बच्चों, आज के सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी बचे और जो क्वेश्चंस हैं वो कल कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं से सेशन ऑफ होता है। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।